नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जेएन भारत। यहाँ आज आदिवासी महिला मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। आज हम लोग का कमेटी का गठन भी हो रही है, तो उसमें हम सचिव पद में शकुंतला दी को उराव सचिव पद में है और उप सचिव में संगीता टोपो है और कोषाध्यक्ष में है सुषमा टोपो है। तो आज हम लोग का आज नियुक्ति इन लोग का करेंगे हम लोग। और आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप? आगे हम लोग भाषा को लेके अभी हम लोग करेंगे ही, जैसे कि अभी देख ही रहे हैं कि जगह जगह में ये जिला बोकारो धनबाद में जो भाषा को लेके हो रही है, तो आज हम लोग एक संकल्प लेंगे और ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। डेट वैसा फिक्स? डेट 28 तारीख को हम लोग मानव सिंगला के लिए ग्राम सभा से लेके विधानसभा तक हम लोग घेराव करेंगे। झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं जी, उसके लिए महिला मोर्चा आगे क्या रणनीति? देखिए, अभी जिस तरह हमारी सरकार आई है, जिनको हम लोग सोच के रखे हैं सत्ता में, तो अभी भी हम लोग की माताएं बहनें हैं जो कि दतुन पताई अभी भी बेच रही है, जो कि स्थानीय नीति भी लागू नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से हमारे बाल बच्चे भी नौकरी नहीं मिल रही है। महिलाएं की तो बात ही अलग ही है, उनका तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो हम लोग एक कमेटी बनाए हैं जो कि अभी बीच में कुछ ये हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से हम लोग ये एकजुट होके और ये झारखंड को हम लोग बचाने का काम करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम सलीना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। आज महिला मोर्चा का बैठक हुई आज, जिसमें केंद्रीय कमेटी का विस्तारीकरण किया गया और एक महिला को जो शकुंतला उराव है उनको हम लोगों ने सचिव के पद दिया है और सुषमा जो है उनको कोषाध्यक्ष पर और संगीता टोपो को उप कोषाध्यक्ष। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज में महिला भी आगे आए, क्योंकि संगठन से ही समाज का समस्या का समाधान हो सकता है। अभी भी हमारे लोग दतुन पत्ते बेचते हैं, कहीं काम करने जाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं हमारा समाज मुख्य धारा पर जुड़े और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से डेवलप करें। इसी को लेकर के संगठन को एक मजबूत प्रदान कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों ने सुना कि ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति बनाए हैं। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।